ग्वालियर जिले के हस्तिनापुर में एक युवक की हत्या करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने महज 8 घंटे के भीतर ही दबोच लिया है। युवक की हत्या करने वाले रिश्ते में उसके मामा और नाना लगते हैं। शराब के नशे में घर के पास ही इस युवक की हत्या कर दी गई थी। एडिशनल SP राजेश दंडौतिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नथों की पहाड़ी स्थित ग्राम तोड़ी में रहने वाले 18 वर्षीय युवक सूरजनाथ से उसके नाना राजूनाथ और मामा रविनाथ का झगड़ा हो गया था। दोपहर में इन लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान नाना और मामा युवक को तब तक पीटते रहे जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। मामले की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बरामद कर उसका पोस्टमार्टम कराया और पुलिस ने हत्या की FIR दर्ज की। पुलिस ने 8 घंटे के भीतर ही मामले के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि मृतक सूरज ने उसे गाली गलौज की थी, जिसके कारण उसके साथ पिटाई की गई और उसकी जान चली गई। पुलिस ने अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया है। असरतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाथों की पहाड़िया है, जहाँ पर एक घटना हुई थी जिसमें कि शराब पीने के बाद पर विवाद हुआ था, जिसमें पिता पुत्र ने एक अपने ही रिश्तेदार को लाठियों से पीटकर और उसको घायल कर दिया, जिसको जब हॉस्पिटल ले गए तो फिर वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। तो इस आधार पर थाना हस्तिनापुर पर IP सेक्शन 302 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर दोनों पिता पुत्र आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है।